बलौदाबाजार हिंसा के बाद सोमवार को भाजपा की 5 सदस्यीय जांच समिति अमर गुफा गिरौदपुरी पहुंची, जहां मुआयना करने के बाद पुजारी से इस पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद बलौदाबाजार जाकर प्रदर्शन स्थल दशहरा मैदान का निरीक्षण किया और एसपी कलेक्ट्रेट कार्यालय का जायजा लिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि अभी हम अमर गुफा में पहुंचे हैं और यहां 2 जयस्तंभ नया गढ़ाया गया है। वर्तमान पुजारी ने बताया कि राजगुरु के परिवार वाले आकर 20 तारीख को पोल गड़ाएंगे। मंत्री श्री बघेल ने कहा कि ये समाज को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है और इसमें उपद्रवी तत्वों का हाथ है। कांग्रेस के बयान पर उन्होंने कहा कि मेन मुद्दा कांग्रेसियों का है, समाज को बदनाम करने के लिए उनका षड्यंत्र है। 15,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था और मंच पर कौन बैठा है ये दिखाई दे रहा है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव क्या सतनामी है और उसके साथ कौन कौन है ये भी हम दिखाएंगे। गड़ाए हैं और गड़ाने के लिए बताए पुजारी जी, बाल दास गुरु के परिवार वाले लोग आकर के जेत खम को गड़ा के कितने तारीख बताए, 20 तारीख को बता रहे हैं। और पुजारी जो है वर्तमान पुजारी, उससे हम लोग चर्चा किए हैं डिटेल। और जो यहाँ का पुजारी था, जिनके द्वारा थाना में FIR दर्ज कराया गया है, वो पुजारी नहीं आ रहा है। सर समाज देखिए, समाज को बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़े साजिश है। इसमें हाथ जो उपद्रवी तत्व है उनका भी हाथ है, और इसका पूरा डिटेल जांच कर लेंगे तो स्पष्ट रूप से बताएंगे आप लोगों को। सर कांग्रेस चुटकी, मेन भूमिका तो कांग्रेसियों का है, समाज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र है। आप सबको देख ही रहे हैं, 15,000 लोगों को भोजन का व्यवस्था, बस गाड़ी का व्यवस्था और मंच में कौन बैठा वो भी दिख रहा है। देवेंद्र भाई यादव क्या सतनामी है? है, और उसके साथ और कौन कौन है वो भी दिख रहा है। देवेंद्र यादव का दिखाएंगे, हम दिखाएंगे मंच का फोटो दिखाएंगे। कल प्रदेश भर में कांग्रेस वो अपना काम वो लोग कर रहे हैं। सर रिपोर्ट कब तक बैठ करके सब चर्चा करके बताएंगे। कलेक्टेड में ऐसा नहीं है, क्या है लोग धोखा दे करके जो उपद्रवी तत्व है उनके द्वारा ऐसा हरकत। 15 दिन से बैठ के देखिए, आज के लोग जो मांग किए थे जांच का, न्यायिक जांच का, न्यायिक जांच का घोषणा हो गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, गृहमंत्री के द्वारा न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई। उसके बाद समाज वाले लोग बोले सिर्फ हम लोग सिर्फ यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे।